أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ العصر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ آیات مبارکہ کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی اس سورت کا نام العصر ہے، اور چونکہ اس سورت کا افتتاح اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کے کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ العصر. اور یہ سورۃ پاک مکیہ ہے. ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے واقعے کے بعد نازل ہوئی. اس سورت مبارکہ میں ایک رکوع ہے اور صرف 3 آیتیں ہیں. اس سورت میں 68 حرف ہیں. اس کی تلاوت کے سننے والے کو 68 نیکیاں اور تلاوت کا شرف حاصل کرنے والے کو 6680 نیکیاں. کتنی؟ 680 نیکیاں. صرف تلاوت کرنے پر، 3 آیتیں پڑھنے پر اتنا ثواب. بڑے مبارک ہیں وہ اللہ کے بندے جو پورا قرآن پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار ان کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بڑے محبوب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بہت اچھا ہے جس کا حال اور مرتحل والا ہو. حال اور مرتحل کا مطلب، صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا حال کا مطلب یہ ہے کہ منزل پر پہنچا، اور مرتحل کا مطلب ہے پھر روانہ ہو گئے، اس کی منزل ہے ہی نہیں. یعنی ایک مرتبہ اس نے پورا قرآن پاک اللہ کی توفیق سے پورا پڑھا، اور جیسے ہی پورا ہوا پھر اس نے شروع کر دیا، پھر سے سفر شروع ہو گیا. تو پوری زندگی اسی طرح جس کی گزر جائے وہ بڑا مبارک آدمی. قرآن پاک شروع سے آخر تک پڑھے اور پھر شروع کرے، اور پھر ختم کرے، پھر شروع کرے، گزر جائے اسی میں عمر ساری. میں جاؤں آؤں پھر جاؤں مدینے، جانا ہو آنا ہو اور پھر جانا ہو، اسی میں زندگی تمام ہو جائے. اور یہی اصل میں دولت ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، اور حشر کی زندگی میں کام آنے والی ہے.
और कब्र में काम आने वाली। एक बुज़ुर्ग हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़रवली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, अभी जल्दी उनका इंतकाल हुआ, तो उनसे किसी ने कहा कि हज़रत कब्र से बहुत डर लगता है और कोई ऐसा तरीक़ा बताइए, कुछ कोशिश कीजिए, हम आपसे ताल्लुक़ रखते हैं कि अज़ाब कब्र से बच जाए, वरना ये कहा जाएगा इतने बड़े आदमी से ताल्लुक़ था और फिर भी न बच सका। फरमाते हैं कि मैंने ये चीज़ ज़हन में सवार रही, रात को मैंने ख्वाब में देखा और मैंने देखा कि ख़ुद अपने बारे में फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मेरा इंतकाल हो गया और फिर मुझे कब्र में उतार दिया गया और सारे लोग तदफीन करके रवाना हो गए। तो मैंने देखा कि एक शख्स कब्र में आ गया, निहायत हसीन व जमील, खूबसूरत। थोड़ी देर में वो दाईं तरफ खड़ा हो गया, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा एक उससे ज़्यादा खूबसूरत और ताकतवर, कामिल मुकम्मल शख्स, निहायत हसीन व जमील, वो अंदर आ गया और उसने पहले वाले से कहा कि तुम इधर चले जाओ पैरों की तरफ। कहते इतनी देर में मैंने फिर देखा कि वो नकीरैन आ गए, मुनकर और नकीर, एक होता मुनकिर एक होता मुनकर। मुनकिर इनकार करने वाला, मुनकर अजनबी जिसको देखा ही ना हो कभी, ज़ाहिर है कभी कहाँ किसी ने देखा, कब्र ही नहीं लोग देखते। मुनकर और नकीर, वो हिसाब का पर्चा उनके हाथ में। तो वो जो आदमी था ताकतवर हसीन व जमील, उसने वो पर्चा उनके हाथ से ले लिया और लेने के बाद उसने उसमें कुछ लिखा और फिर कहा कि जाओ तुम्हारा काम ख़त्म। नकीरैन कब्र से वापस चले गए। तो कहा कि मैंने उस शख्स से पूछा कि आप कौन साहब हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं आपकी फजर की नमाज हूं। ये जो पहले शख्स आया था ये फजर की नमाज है और वो फजर की नमाज आज़ार के बावजूद, पीराना साली के बावजूद, शेखुल हदीस होने के बावजूद ख़ुद पढ़ाया करते थे, बहुत उम्दा कुरान पढ़ते थे। कहा और ये शख्स जो आया, फिर वो शख्स ने बताया और अल्लाह ताला ने पहले इनको भेजा और फिर कहा तुम चले जाओ और कहा मैं खुद कुरान हूँ, मैं खुद कुरान हूँ। ये क्या चीज़ है, कुरान से शगफ, कुरान से ताल्लुक़, कुरान की मोहब्बत, कुरान का इश्क, कुरान की तिलावत, इतनी संगीन मंजिल को कैसे आसान बना दिया उसने, किस कदर आसान हो गया। इसीलिए हदीस में जो दुआ है ख़त्म कुरान की क्या है, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरान अज़ीम, ऐ अल्लाह कुरान को मेरी कब्र में जो वहशत की जगह है, वहशत को दूर करने वाला, घबराहट को दूर करने वाला मुनिस गमखार हमदर्द बना दी और कुरान के ज़रिए से अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमाइए। और कुरान की सिफारिश सबसे बड़ी सिफारिश है, कुरान की शिकायत सबसे बड़ी शिकायत है। कुरान शिकायत भी करेगा और कुरान सिफारिश भी करेगा।
आपने फरमाया अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक, कुरान तुम्हारे हक में गवाही देगा या कुरान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। अगर हक में गवाही दे दी तो फिर जन्नत में जाना यकीनी ही काम बन गया, और अगर कुरान ने खिलाफ गवाही दे दी तो फिर शकावत, बदनसीबी, जहन्नम में जाना तय है। इसलिए कि कुरान अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, जो इससे पहले सूरत में आया, अल्लाह नेमतों के बारे में पूछेगा, छोटी छोटी नेमतों के बारे में पूछेगा, अल्लाह बड़ी नेमत के बारे में नहीं पूछेगा। और बड़ी नेमत क्या है? कुरान पाक। और कुरान आम किताबों की तरह नहीं है, कुरान जानता है कि मेरा हक कौन अदा कर रहा है और मुझसे एराज कौन कर रहा है, इसीलिए तो गवाही देगा। कुरान की गवाही हकीकत में अल्लाह की खुद अपनी गवाही है, इसलिए कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं है, बाकी सब अल्लाह की मखलूक, नबी, वली, कुतुब, अब्दाल, सब अल्लाह की मखलूक। कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफत है। कुरान की शिकायत सबसे भारी, कुरान की सिफारिश सबसे भारी। हम सबको कुरान का अपना सिफारिशी बनाना चाहिए, और कुरान पाक की शिकायत से हम सबको अपने आप को, अपने बच्चों को बचाना चाहिए। कुरान का हक क्या है? उसकी जियारत करना। आप तवज्जो ही नहीं दे रहे, दुनिया भर की चीज़ें देख रहे हैं आप, कुरान देख ही नहीं रहे आप। आपके घर पे कोई मेहमान आए और आप उसकी तरफ नज़र उठा के ना देखें, दूसरी चीज़ों में मशगूल रहें, मोबाइल देखते रहे, वो मेहमान आया, वो तो मेहमान क्या कहेगा? अपनी इज्जत महसूस करेगा या बेइज्जती? तो बेइज्जती महसूस करेगा। और मेहमान अगर गैरतमंद है, गयूर है, और बेइज्जती अगर उसने महसूस की तो फिर वो आपके घर पे तो रहेगा नहीं। निगाह यार सलामत हजार मैखाने, आपको मेरी जरूरत है तो क्या हुआ, हम बेकदर थोड़ी हैं, हमारे चाहने वाले बहुत हैं। गफलत हो तो मेहमान चला जाता है। फरमाया जिस तरह ऊंट भागता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गफलत के नतीजे में, इसी तरह कुरान भी सीने से निकल जाता है गफलत के नतीजे में। कुरान से ज्यादा गयूर मेहमान कौन होगा? इसलिए जिसने गैरत को पैदा किया है वो अल्लाह है, ये उस मालिक का कलाम है। इसलिए इसको पढ़ने के लिए और इससे ताल्लुक बाकी रखने के लिए अल्लाह से दुआ मांगने की ज़रूरत है। दावतनामा देने के बाद फिर मेहमान आएगा इज्जत वाला, तो दावतनामा कैसे दिया जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी बता दिया कैसे दावतनामा दे। अल्लाह से कहो वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल्लैल व आना अन्नहार, ऐ अल्लाह मुझे इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा दीजिए, दिन के लम्हात में भी और रात के औकात में भी। अल्लाह से मांगिए, और किसने मांगा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मांगा है। आपने जो चीज़ मांगी है वो चीज़ कैसी है? आला दर्जे की। नबी जिस चीज़ को मांगता वो नेमत होती है, और अल्लाह के नबी जिन पर अल्लाह की नेमतें बरसती रही हैं, आपने जिस नेमत को मांगा होगा वो खुद कितनी बड़ी नेमत हो। अल्लाह फरमा रहा है उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, अरे पैगंबर जो वही के जरिए से आप पर किताब नाजिल की गई है आप उसकी तिलावत किया कीजिए। अल्लाह अपने नबी से कहना आप तिलावत किया कीजिए, जाहिर है जब नबी से कहा जा रहा तिलावत करने के लिए तो उम्मती को उसकी तिलावत की जरूरत नहीं है।
तो कुरान पाक का हक क्या है? कुरान पाक को देखना, जियारत करना, उसकी तरफ तवज्जो देना, और कैसे देखना? मोहब्बत के साथ। और जब मोहब्बत के साथ देखेंगे तो देखने से फायदा होगा। अन्नज़रु इलल मुसहफ़ इबादा, कुरान को मोहब्बत के साथ देखना इबादत है, इसके देखने में सवाब है। और अगर कोई इसको पढ़ दे तो सुनने में सवाब। और खाली सवाब नहीं है, अल्लाह चाहता है अल्लाह के बंदे सुने, और अल्लाह चाहता कि तुम तलाश कहीं और कर रहे हो, है कहीं और, जरूरत तुम सबको है और तुम सब उसकी तलाश में लगे हुए हो। वो क्या है? अल्लाह का रहम, अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला की रहमत अगर हट जाए तो दुनिया जेरो जबर हो जाए। अल्लाह की रहमत वो है जिसको फरिश्ते भी तलाश करते हैं, फरिश्तों को भी इसकी जरूरत है। यसअलुहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ध, अल्लाह से मांगते हैं वो सब जो जमीनों में हैं, और वो भी मांगते हैं जो आसमानों में हैं। आसमानों में कौन रहता है? फरिश्ते रहते हैं, उनको खाने की जरूरत नहीं फिर क्या मांगते हैं? पानी की जरूरत नहीं फिर भी मांगते, मकान की जरूरत नहीं फिर भी मांगते हैं, ना उनको नजला है, ना जुकाम है, ना बीमारियां हैं, ना सदमे हैं, फिर भी मांगते। ये क्या मांग रहे? फरमाए ये फरिश्ते क्या चीज मांग रहे? अल्लाह की रहमत। अल्लाह फरमाओ सब मांगते, जमीन वाले भी और आसमान वाले भी, सब भिखारी और सब मांगते। तो जिस चीज को फरिश्ते मांगते हैं और जिसकी हर आदमी को तलब है, अगर अल्लाह की रहमत आ जाए तो फिर जहमतों का खात्मा हो जाए। आग और पानी एक जगह नहीं रहेंगे, रहमत और जहमत एक जगह। से पूछो क्या हुआ, रहमत आ गई क्या? रहमत और जहमत एक जगह नहीं रहेंगे, रहमत आएगी तो जहमत निकल जाएगी। फरिश्ते और शैतान एक जगह नहीं रहते। बद्र के मैदान में हाथ पकड़े हुए था शैतान इंसानी शक्ल में एक काफिर का, उसने देखा कि आसमान से फरिश्ते उतर आए, जिब्रील भी आ गए, तो भागने लगा हाथ छोड़ा के, कहा कहाँ जा रहे हो तुम तो कह रहे थे आज तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आएगा। कहना इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन से डर रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो। फरिश्ते आ गए, अब शैतान का कयाम नहीं हो सकता। घरों में फरिश्तों को बुलाओ, शयातीन को भगाओ, शयातीन रहेंगे तो बेबरकती होगी और फरिश्ते आएंगे तो फिर रहमत इलाही का नुज़ूल होगा। फरिश्तों को बुलाएं कैसे? अमीर गरीब उम्मत का हर तबका जब चाहे जिस वक्त चाहे रहमत के फरिश्तों को अपने घर पे बुला सकता है। रहमत के घर, रहमत के फरिश्तों को घर पर, फरिश्ते जब आएंगे तो रहमतें लेके आएंगे। जब चाहें आप बुलाएं और जितना चाहें आप बुलाएं। रहमत के फरिश्ते कब आते हैं? क्या तरीका बुलाने का? कहा कुरान की तिलावत कीजिए। अगर झोपड़े में की जाए तो झोपड़े में आ जाएंगे, टी शर्ट में की जाए वहां आ जाएंगे, और महलों में की जाए तो वहां आएंगे, और अगर नहीं की जाएगी तो महल नहीं, वो कब्रस्तान है, मकबरा है। अपने घरों को मकबरा मत बनाओ, कब्रस्तान हो वीराना मत बनाओ। वो दिल वीरान है जिस दिल के अंदर कुरान नहीं, और वो घर वीरान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। एक जमाना था कि हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी फजर के बाद। वो जमाना लोगों ने देखा, लेकिन आज के लोगों ने नहीं देखा, जो नई जनरेशन उसने नहीं देखा कि मुसलमानों के घर है ये, हर घर से तिलावत की आवाज आ रही।
अब वो तिलावत की आवाज़ें कहाँ हैं? खामोश, दरो दीवार तरस रहे हैं, घर में कोई तिलावत करने वाला नहीं। एक ज़माना वो था कि इसी हिंदुस्तान में पानीपत जो इलाका है, बहुत मशहूर मकाम है, वहाँ हर घर में हाफिज़ कुरान का होना ज़रूरी था, और जो बच्चा हाफिज़ कुरान नहीं होता उसका रिश्ता होना मुश्किल था। इसी हिंदुस्तान में सफ़र के बीच ये कैसा बदल गया मौसम, कितनी तब्दीली आ गई कि हाफिज़ कुरान नहीं, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ें ही नहीं आ रही, और चाहते सब हैं कि हो औज़े सुरैया पे मुकीम, चाहते सब हैं कि अल्लाह की रहमत हो, बरकत हो। कैसे बरकत होगी कि तुम्हारे हाथ में है, दुनिया की किसी कौम के बस में नहीं है कि वो फरिश्तों को आसमानों से भुला ले। अपना मकाम समझो, अपना मर्तबा समझो, ये मुसलमान के घर में आते हैं रहमत के फरिश्ते, और जब चाहता है बुला लेता है। ये सब नबी का सदका है, अल्लाह के नबी का फैज़ है। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़ के। कैसे? कुरान की तिलावत करो। इंसान सुनने नहीं आएंगे मगर रहमत के फरिश्ते आएंगे, उनसे पूछो कुरान क्या है। हमारे पास वो जौहर काबिल है, वो हीरा है। दुनिया में कोई इतना कीमती हीरा नहीं, मगर जिनके पास हीरा है उनको उसकी कदर नहीं मालूम। आसमानों से फरिश्ते जमीन पे आते हैं, उनसे कदर पूछिए कुरान की। ये फरिश्ते आसमानों से क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं, इसलिए कि वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, कुरान की तिलावत करने की कुदरत नहीं है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के अलावा कोई फरिश्ता कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, तिलावत कर नहीं पाते। जब कर नहीं पाते तो सुन तो लें। अब सुनेंगे कहाँ? किसी पैगंबर के उम्मती को तो कुरान मिला नहीं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के उम्मतियों का नसीब है, उनको कुरान मिला। जिस घर में तिलावत होती है फरिश्ते फौरन आ जाते हैं वहाँ कुरान की तिलावत को सुनने के लिए। क्या है कुरान? अल्लाह हो, अपने आप को रोक नहीं पाते, वो अल्लाह से इजाज़त लेकर के आते हैं। और कभी कभी हमारा ईमान है कि फरिश्ते आते हैं, हमने न फरिश्तों को देखा है, लेकिन फिर भी ईमान इसी का नाम है कि देखा हो ना देखा हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया है तो फिर सच है। हुजूर ने जो फरमाया वो सच है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बद्दू से एक ऊँटनी खरीदी, तो वो उसको किसी आदमी ने उससे ज्यादा पैसे की पेशकश कर दी, तो उसने कहा हमने बेची नहीं। आपने फरमा तुम तो मेरे यहां सौदा कर चुके हो। उसने कहा कि नहीं। कहा गवाही कौन देगा? वहां हजरत खुज़ैमा आ गए, खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु, तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम सौदा तो कर चुके हो। गवाही दे दी उन्होंने, आपने वो ऊँटनी ले ली, उसको पैसे दे दिए। फिर आपने हजरत खुज़ैमा से पूछा कि खुज़ैमा तुम तो यहाँ थे भी नहीं जब हम मामला कर रहे थे ऊँटनी का, तुमने किस बेस पे गवाही दी? अरे अल्लाह के रसूल, में मौजूद नहीं था, मगर जब मैंने सुना कि आपने कहा कि मे सौदा हो चुका, तो अल्लाह की कसम सौदा हो चुका, इस बुनियाद पर मैंने गवाही दी। तो आपने क्या कहा? आज से खुज़ैमा की गवाही दो आदमियों के बराबर है। दुनिया के जितने लोग हैं, जब गवाही में ज़रूरत होगी तो दो आदमियों की गवाही की ज़रूरत होगी, और अगर खुज़ैमा अकेले गवाही दे देंगे तो जिसके बावजूद मुकदमा फैसल कर दिया जाएगा, ये दो आदमियों के बराबर इनकी गवाही।
अल्लाह के नबी ने फरमाया हमने देखा तो नहीं है। आपने फरमा फरिश्ते आते हैं तो आते हैं, बरकत लेकर के आते हैं, मगर अल्लाह ताला खिलाफ आदत कभी कभी दिखा भी देता है, फरिश्तों को दिखा भी देता है। एक सहाबी से हुजूर ने पूछा कि जानते हो मेरे साथ घर में कौन है? उनको हुजूर बताइए कौन है? कहा जिब्रील है। कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने फरमाया जिब्रील तुम्हारे सलाम का जवाब दे रहे, देख नहीं रहे मगर है जिब्रील मौजूद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा एक सहाबी से तुम गुजर गए यहां से और गुजरते चले गए, सलाम भी तुमने नहीं किया। कहा अल्लाह के रसूल आप एक आदमी से बात कर रहे थे और मैंने बीच में दखल देना मुनासिब नहीं समझा। आपने फरमा तुमने उनको देखा था? कहा अल्लाह के रसूल मैंने कहा वो जिब्रील थे जो इंसानी शक्ल में आए थे। ये अल्लाह के नबी के सहाबा, उन जैसा ईमान तो किसी का हो ही नहीं सकता। हम तो सुनते हैं और पढ़ते हैं मगर उन्होंने तो सहाबे किराम ने फरिश्तों को आंखों से देख लिया। देखे हुए के बराबर सुने हुए वाले का ईमान हो सकता है? नहीं हो सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रात का वक्त है, तिलावत कर रहे और पढ़ रहे हैं सूरह बकरा और एकदम से देखा घोड़ा नाचने लगा और बच्चा वहीं पे लेटा हुआ, तो रुक गए वो, तो घोड़ा भी खामोश हो गया। कहा होगा अपने कोई मसला। फिर उन्होंने तिलावत शुरू कर दी, थोड़ी देर गुजरी थी कि फिर उसने वही हरकत शुरू कर दी, हाथ पैर चला रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है फिर तिलावत को मौकूफ किया तो फिर वो सामित और साकित हो गया, फिर मैंने तिलावत करना शुरू की। तो कहा फिर वही हरकत हुई, मैंने कुरान पाक को रख दिया, मैंने तिलावत का सिलसिला बंद ही कर दिया और आकर सुबह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मैंने ये वाकया बयान किया। आपने फरमाया उसे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। कहा बच्चे का अंदेशा था, फरमाया कि वो फरिश्ते थे जो कुरान सुनने के लिए आए थे, घोड़ा भी दग रहा था। कहा फिर मैंने देखा आसमान की तरफ एक बादल सा है, उसके अंदर चराग से जल रहे हैं, ऊपर जा रहा। आपने फरमाया ये फरिश्ते थे और अगर तुम तिलावत करते रहते तो लोग भी उनके अजायबात देख लेते। फरिश्ते आते हैं कहां? जिन घरों में तिलावत की जाती है। सहाबा ने देख लिया। इसलिए हमें अगर रहमत की जरूरत है और हम फरिश्तों को अपने घरों पर बुलाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? कुरान की तिलावत करें। और अगर हम फरिश्तों को घर से भगाना चाहते हैं और शैतान को बुलाना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि म्यूजिक लगा दें आप, गाना लगा दें आप, साज बजने लगे। जिस घर में साज बजता है, बाजा बजता है, उस घर में फरिश्ते नहीं आते। अगर होंगे भी तो निकल जाएंगे और जब फरिश्ते चले जाएंगे तो कौन आएगा? शैतान आएगा। और जब शैतान आएगा, फरिश्ते आएंगे तो रहमतें लेकर के आएंगे और शैतान आएगा तो नहूसत और बेबरकती लेकर के आएगा। अल्लाह फरमाता है कि कुरान पाक ऐसी अजीम शान दौलत, जिस चीज की तुम्हें तलाश है, जिसके लिए तुम पानी पढ़वा रहे हो, जिसके लिए तुम तावीज मांग रहे हो, जिसके लिए तुम दर दर भटक रहे हो, इसकी जरूरत तुम्हें नहीं होना चाहिए। दुनिया की कौमों को हो तो हो, तुम्हें नहीं होना चाहिए। सबसे उम्दा तावीज कौन सा है पता है? कौन सा तावीज है सबसे उम्दा? अल्लाह कुरान में बता रहा है क्या? फरमाया वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमीऊ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम सुन लो गौर से। जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम गौर से सुनो। गौर से सुनने का मतलब फिर कोई और काम नहीं है, पूरी तवज्जो के साथ।
अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तुरहमून, उम्मीद यह है कि तुम्हारे ऊपर रहमत की बरसात होगी। अल्लाह जब कहे उम्मीद है तो इसका मतलब क्या है? हम लोग कहें उम्मीद है तो हो सकता हो और हो सकता, और अल्लाह कहे उम्मीद है तो पक्का है, यकीनी है। ये काहे पर अल्लाह की रहमत मिल रही है? कुरान की तिलावत के सुन लेने पर सिर्फ। और सुनेगा आदमी कब? जब कोई पढ़ने वाला हो। इसका मतलब यह है अगर एक आदमी घर के अंदर तिलावत कर रहा है और पूरा घर सुन रहा है तो क्या होगा? सबके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसे, सबके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसे। और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, एक रहमत का एक हिस्सा बहुत बड़ा है। एक ही रहमत है काफी सारे दफ्तर के लिए। शौक से लिखें फरिश्ते मेरे इसियां रात दिन, एक ही रहमत है काफी सारे दफ्तर के लिए। वह रहमती वसियात कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी, हर चीज से बड़ी। दुनिया वालों की निगाहों में समंदर बड़ा है लेकिन उसके अंदर भी इतना पावर है, एक उसकी लहर सारी गंदगी को पाक कर देती है। मगर समंदर महदूद है, लिमिटेड है। अल्लाह की रहमत गैर महदूद है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी। तो अल्लाह की रहमत कैसे हासिल होगी? सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने हर गुलाम को यह नेमत दे दी। मगर कितने नाकदरे हैं मुसलमान जिन्होंने इस नेमत की कदर नहीं की, पढ़ना सीखा ही नहीं, अपनी औलाद को सिखाया ही नहीं। और अगर सीख लिया है तो घर में कोई तिलावत करने वाला है ही नहीं। जब तिलावत नहीं होगी तो फिर कुरान की समात भी नहीं होगी। कुरान की जियारत हो, कुरान की तिलावत हो और कुरान की समात हो, तो ये सब चीजें क्या हैं? अपने घर पे, अल्लाह के घर पे, अपने घर पे रहमत लेके आती, फरिश्तों को लेके आती। अच्छा, अगर कुरान नहीं पढ़ेंगे तो फरिश्ते नहीं आएंगे? फरिश्ते नहीं आएंगे फिर मरेगा भी नहीं आदमी, जो फरिश्ते नहीं आएंगे तो। इसलिए भी जान निकालने कौन आता है? कौन आते हैं? फरिश्ते आते हैं। एक आलिम हजरत मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह ने पूछा एक साहब से, यह आप कुत्ता क्यों पालते हैं, साथ में रखते हैं? आपको पता है कुत्ता जिस घर में होता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते? कहने इसीलिए तो रखा है हमने। किस लिए? कि जान निकालने फरिश्ता आता है, कुत्ता साथ में होगा तो आएगी नहीं। हजरत ने फरमाया कुत्ते की भी तो जान निकलती है, जो कुत्ते की जान निकालने आता है वही खामोश हो गए। तो रहमत के फरिश्ते आएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत का शरफ अता फरमाए, और अल्लाह कुरान सुनने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए, और उसके तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की ये सूरत छोटी सूरत है, छोटी किस एतबार से? लफ्ज़ों के एतबार से, तादाद के एतबार से, वरना कुरान की कोई सूरत छोटी नहीं है, हर सूरत बड़ी। अल्लाह की कोई नेमत छोटी नहीं है, अल्लाह की हर नेमत बड़ी है। मगर हमें एहसास नहीं है। एक बुजुर्ग ने दुआ दी थी कि आसानी से पेशाब हो जाए, कहले ये क्या दुआ दी आपने? कहले ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने समझाया पेशाब रुक गया। अल्लाह ना करे किसी का रुक जाए, परेशान बेचैन बेकरार माही बे आप तड़प रहे, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम के, सारी दवाएं बे खत्म। तो उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुए, भाई
कहले ये हो तो सकता है मगर इसकी कीमत देना पड़ेगी आपको, मैं दुआ करूंगा। वह कर दी, क्या कीमत है इसकी? आधी हुकूमत आपकी चाहिए मुझे। कहने लगे मंजूर है मुझे, इससे नजात दिलाइए। अब साहब उन्होंने दुआ की, पेशाब शुरू हो गए, लेकिन दूसरी जहमत शुरू हो गई। अब जो शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, पहले न होने की वजह से जहमत थी, अब न रुकने की वजह से जहमत है। फिर वही किया कि हजरत दुआ कर दिए, कहने इसकी भी कीमत है। क्या कीमत है? का आधी हुकूमत, का वो भी दे दी। का देखा आपने, आपकी हुकूमत आसानी से जो पेशाब हो जाए इसके बराबर भी नहीं है। यह है अल्लाह की नेमत। अल्लाह की किसी नेमत को मामूली न समझो, अल्लाह की हर नेमत बहुत बड़ी है। और यह नेमत का एहसास कब होता है? जब वो छिन जाती। अल्लाह ना करे यह नेमत छिनने की नौबत आए। छिनती कब है? जब नेमत का शुक्र ना अदा किया जाए। और शुक्र कब नहीं अदा होता? जब नेमत को नेमत न समझा जाए। जाहिर है जब नेमत को नेमत समझेंगे जभी तो शुक्र अदा करेंगे। बिदअती को तौबा की तौफीक नहीं होती। जो बिदअत करता है, जानी को तौबा की तौफीक, शराबी को तौबा की तौफीक, कम नापने तौलने वाले को तौबा की तौफीक, मगर बिदअती नमाजी है, रोजेदार है, जकात देता है, हज करता है, उमरा करता है, फिर भी उसको तौबा की तौफीक नहीं। बिदअती को तौबा की तौफीक क्यों नहीं? जो तवाफ कर रहा है कब्र के, जो चादरें चढ़ा रहा है, ये बिदअती है, इसको तौबा की तौफीक क्यों नहीं? इसलिए कि वो आदमी जो काम कर रहा है उसको गुनाह समझ ही नहीं रहा है। तौबा किससे की जाती? गुनाह से की जाती है। जब वो उसको इबादत समझ रहा है तो फिर तौबा का सवाल ही नहीं पैदा होता। शैतान ने कहा कि लोगों ने मेरी कमर तोड़ दी, खूब गुनाह कराए, खूब गुनाह कराए, और उसके बाद उसने सच्ची तौबा की, अल्लाह ने एक लम्हे में उसको माफ कर दिया। कहा फिर मैंने बहुत सोच समझ के एक तरकीब निकाली। कैसी तरकीब? कि जो फंस जाए फिर वो निकल ना पाए। कदगन है कि कूचे में कोई आने पर ना पाए, और बेखबर आ जाए तो फिर जाने ना पाए। कि तौबा नहीं करेंगे नहीं, ऐसी तरकीब निकाली मैंने। बिदात का जाल फैला दिया। उस बिदात के जाल में जो फंस गया वो तौबा नहीं करता, इसलिए वो समझता है कि ये तो हम इबादत सवाब का काम कर रहे हैं। जब सवाब का काम समझेगा तो फिर तौबा नहीं करेगा। जब आदमी नेमत को नेमत समझेगा तो शुक्र अदा करेगा। जब वो नेमत को नेमत समझ ही नहीं रहा है तो शुक्र कहां से अदा करेगा? और जब वो शुक्र नहीं अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी सजा क्या देगा? वो नेमत उससे छीन लेगा। और अल्लाह जब नेमत छीनता तब एहसास होता, अल्लाह अकबर, ये उंगलियों का आसानी से मुड़ जाना इतनी बड़ी नेमत थी। फ्रैक्चर हो गई, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, अब पता चला कितना मोड़ते थे इसको, जब चाहते थे जो चाहते थे करते थे, अब मजबूर और बेबस हैं। एहसास दिलाया खुदा ने। तो कुरान पाक अल्लाह की बड़ी नेमत है। फरमाया कुरान पाक की ये सूरत बदाहिर छोटी है, लेकिन कुरान की कोई सूरत छोटी नहीं है। हर सूरत माना के एतबार से, मफहूम के एतबार से बहुत बड़ी सूरत है। जिस तरह अल्लाह की कोई नेमत छोटी नहीं, ऐसे कुरान की कोई सूरत भी छोटी नहीं। अल्फाज के एतबार उसमें अल्फाज कम हैं, 3 आयतें हैं सिर्फ, लेकिन माना के एतबार से बहुत बड़ी सूरत। इतनी बड़ी सूरत है, हम लोगों को क्या पता, हम लोग क्या जाने। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर पूरे कुरान में से सिर्फ सूरह असर को नाजिल कर देता, सिर्फ यही सूरत, तो इंसान की दुनिया और दीन दोनों को बनाने के लिए यही सूरत काफ़ी थी।
अगर इंसान इसमें गौर करे, फिक्र करे, तो न सिर्फ ये कि आखिरत सही हो, दुनिया भी उसकी बन जाए, यही काफी थी। इससे अंदाजा लगाइए कि कुरान करीम की सूरत अगरचे मुख्तसर है अल्फाज के एतबार से, आयात के एतबार से, मगर ये है कितनी बड़ी, मामूली बात नहीं है। कहां 30 पारे, कहां एक सूरत। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी ऐसे थे, अब्दुल्लाह इब्न हिज्म फरमाते हैं, जब भी मुलाकात होती और जब वो दोनों आपस में एक दूसरे से रुख्सत होते, हम लोगों की आदत क्या है, जब रुख्सत होते हैं तो खुदा हाफिज बता चुके हैं, आते वक्त सलाम, जाते वक्त सलाम, ये सुन्नत है और ये खिलाफ सुन्नत है, और अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग एक और गलती कर रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, आजकल मैं देख रहा हूं जब वो नियत बांधते हैं तो पढ़े लिखे लोगों पर नजर डालिए, वो क्या कर रहे हैं, ये नियत बांधने का तरीका क्या है, दोनों हाथों की हथेलियां कानों के बराबर हों, यानी अंगूठा कान की लौ, ये उंगलियां कान के बराबर। मर्दों के लिए ये सुन्नत है, वो क्या कर रहे हैं, कंधे तक, सिर्फ कंधे तक, ये क्या है। और जब पढ़ा लिखा करेगा तो फिर दूसरे लोग देख के वो भी कर रहे हैं, मैंने इस मस्जिद में देखा है। और देखिए, समझने की जरूरत है। तो दो सहाबी अब्दुल्लाह इब्न हिज्म फरमाते हैं, जब उनकी आपस में मुलाकात होती और मुलाकात होने के बाद वो रुख्सत होते तो खुदा हाफिज तो कहते नहीं थे, वो ना अल्लाह हाफिज कहते, वो तो सहाबी थे, उनको पता था आते वक्त भी सलाम और जाते वक्त यही सुन्नत है। सहाबी की जिंदगी खिलाफ सुन्नत होगी तो किसकी सुन्नत के मुताबिक हो। फिर क्या करते थे वो, कहा कि ये उनको ये सूरत सुनाते थे और वो उनको ये सूरत सुनाते थे, सूर्य वल असर सुना देते थे, चले जाते थे दोनों लोग। क्यों, इसमें जो पैगाम है वो याद दिला देते, इस पैगाम पे नजर रखना, भूल ना जाना, वो भी पैगाम देते थे कि इस पर नजर रखना। ये तरीका हुआ है अल्लाह वालों का, नसीहत नहीं करते, इससे बड़ी नसीहत क्या होगी। हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब दामत परकातुम जिस जमाने में पढ़ते थे मदारुलूम सहारनपुर में, तो वहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत मौलाना असादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मदारुलूम के नाजिम हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलफा में से, कई जबानों के माहिर, ज़बरदस्त मुनाजिर, जैसी उर्दू वैसी फारसी वैसी अरबी और हर जबान में शेर। एक मरतबा किसी ने कहा उनसे कि मुनाजरा करेंगे आपसे, मगर मुनाजरा अरबी में करेंगे। कहने, एक बात तुमने कही, एक हम कहते हैं, मुनाजरा करेंगे अरबी में करेंगे और अरबी अशार में करेंगे, शेर कहेंगे हम, तुम भी कहना शेर। अब शेर कहना तो हर एक के बस की बात नहीं, उर्दू में हर आदमी नहीं कर सकता, अरबी में कहाँ से करें। बड़े अल्लाह वाले, बड़े पाकीज़ा, बड़े बुजुर्ग हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं के खलीफा थे जो बांदा वाले थे। तो हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पढ़ने के लिए रखा, लेकिन हॉस्टल में नहीं बल्कि उन्हीं बुजुर्ग की हुजरे में रखा, यहाँ तुम्हें रहना है, इनकी खिदमत करना है हजरत की। तो हजरत की खिदमत करते थे, उनको वुजू कराना, और बड़ी दुआएं दी हजरत ने वुजू कराना, और बड़े नाजुक मिजाज आदमी वुजू कराना बड़ा मुश्किल। वो कहते थे यहाँ से पानी डालो, ये जो हिस्सा है कान के और ये दाढ़ी के बाल के बीच में, यहाँ डालो। अब ये इतनी नाजुक जगह है कि पानी अगर डाला जाए तो कान के अंदर पहुँच गए, और अगर पहुँच गया तो फिर खैरियत नहीं थी, बेटे मुझे उठा के तुम हौज ही में डाल दो, मान लो मेरा कहना। बहुत कहते,
तो हजरत जब आने लगे वहाँ से घर अपने, तो फरमाया कि अपने वालिद मौलाना अब्दुल सलाम साहब से मेरा सलाम कहना और उनसे कहना अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया, माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। खैर हुआ है और आके कहा अबू, नाज़िम साहब ने सलाम कहा है और कहा कि ये आयत सुना देना। जब जाने लगे तो कहा कि मेरा सलाम कहना और कहना वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबं व खैरुन अमला, ये आयत सुना देना। ये सब बुजुर्गों का सहाबा का तरीका है, न तर्जमा न कुछ, तर्जमे की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ताला की इसमें जो फरमान है जो नसीहत है यही काफ़ी। तो कुरान पाक की ये सूरत है तो बड़ी मुख्तसर मगर बड़ी जामे। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने आमर इब्न आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ये बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं और बड़े ज़हीन सहाबी हैं, बहुत ज़हीन, अरब के जो मशहूर लोग थे ज़हानत में, समझ में, अक्ल में जो गिने जाते थे उनमें से कि ये भी हैं। और इन्हीं को मक्के के लोगों ने चुना था गाहे के लिए। ये जब मुसलमानों पे मजालिम हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा है तो मुल्के हबश चले जाओ, वहाँ बादशाह अगरचे ईसाई है मगर वो इंसाफ करने वाला है, वहाँ चले जाओ, मजालिम से नजात मिले, दीन पे अमल करना। बहुत से सहाबा गए, उनमें हजरत उस्मान गनी भी थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हजरत रुकैया भी थी, हुजूर की बेटी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा गए। अब बेटी अगर कहीं हो तो बाप अगर है तो जाहिर बात है उसको फिक्र तो होगी, पता नहीं बेटी किस साल में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्के से बाहर निकल जाते और देखते कोई हवश से आ तो नहीं रहा, अगर आ रहा हो तो उससे पूछें क्या हाल है। ये होता है औलाद का दर्द। तो देखा एक औरत आई मुल्क हबश से, तो आपने फरमाया कि वहां तुमने उस्मान को देखा है, वहां रुकैया को देखा किस हाल में। कहा मैंने देखा है और बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छे हाल में मैंने देखा। मैंने देखा कि हजरत रुकैया जो है ऊंट के ऊपर बैठी हुई है और हजरत उस्मान उसकी लगाम पकड़ करके खींच रहे हैं, लगाम पकड़ के उनके खींच रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और आपने दुआ दी, आपने कहा लूत अलैहिस्सलाम के बाद उस्मान पहले आदमी हैं जिन्होंने अपने बीवी के साथ हिजरत की। मुसलमान आराम से वहाँ रहने लगे। तफसीली वाकया है कि वो वहाँ नजाशी बादशाह ने कहा कि तुमने सजदा नहीं किया, तो उनका सजदा क्या है, अल्लाह के अलावा हम किसी को सजदा करते नहीं, गए पनाह लेने के लिए, हक बात अर्ज़ की। अब मक्के के लोगों को बड़ी परेशानी हुई, काहे की परेशानी कि मुसलमान यहाँ थे तो उनको सताते थे, अब ये यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ आराम से रह रहे हैं और साहब दीन पे अमल कर रहे हैं और तबलीग भी कर रहे होंगे, दावत भी दे रहे होंगे, ये तो बड़ा मसला हो गया, लिहाजा उन मुसलमानों को वापस लाया जाए हबश से। अब वापस लाए कौन, बादशाह से बात कौन जाके करे, किसी बेवकूफ़ आदमी को भेज दिया जाए। जाहिर जो सफीर होता है, अम्बेसडर जो होता है मुल्क का, किसे बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है, बेवकूफ़ आदमी को, समझदार आदमी। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तु इस्लाम लाने से पहले भी इनके पास जो ओहदा था, मनसब था, वो कौन था, ये अम्बेसडर थे पूरे कबीले कुरैश के। जब किसी से बात करना होती थी दूसरे कबीले से, इस काम के लिए जिसको लोगों ने मुकर्रर किया था वो हजरत फारूक आजम है। हजरत सिद्दीक अकबर क्या थे, जज थे ज़माने जाहिलियत में, उनके फैसले के आगे लोग सर झुकाते थे। ये सब बड़े लोग थे, पहले भी बड़े थे, इस्लाम ने आके उनको चमका दिया। तो किसको मुंतखब किया गया भेजने के लिए वहाँ, वहाँ हबश काफिरों ने किसको भेजा,
का ये काम अम्र कर सकते हैं, अम्र इब्न उल्हास। तो हज़रत अम्र इब्न उल्हास गए और बादशाह के लिए बाकायदा हदीये और तहाइफ किस्म किस्म के लेके गए। नजाशी बादशाह के पास उसने हदीये लिए और उनको भी हदीये दिए, और जो उनके हवारीन बैठते थे वो पादरी उनको भी दिए ताकि बाद में वजन पैदा हो, ये भी सिफारिश कर दे। सबको खुश कर दिया और कहा हाँ बताइए। कहा कि कुछ लोग हमारे गुलाम हैं, वो भगोड़े हैं, वो यहाँ आ गए हैं, हम उनको लेने के लिए आए हैं। तो बादशाह ने कहा कि उनसे भी हम बात कर लें। ये उसका इंसाफ था, अल्लाह के नबी दूर से बैठ के देख रहे हैं, वो ईसाई है मगर इंसाफ करने वाला बादशाह। यही हुआ, कहा उनसे भी पूछ लें भाई, जो हमारे वहां आके जिन्होंने पनाह ली है। अब वो मुसलमान आए, बुलाया उनको। बात कौन करेगा बादशाह से? कहा अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई, हजरते अली के सगे भाई, हजरते जाफर। आपने फरमाया अशबाहत खल्की व खुल्की, जाफर तुम शक्ल में भी हमारे जैसे हो और आदत में भी हमारे जैसे हो। बड़े महबूब थे हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु, इन्हीं को नुमाइंदा बनाया गया। भाई आप बात करेंगे, आए गुलाम, ये आपको लेने के लिए आए हैं, बता रहे हैं गुलाम हैं। हजरत जाफर ने एक तकरीर की और अजीब गरीब वो तकरीर थी। हाय बादशाह, हमारे अंदर हर बुरी आदत थी, सारे बुरे काम हम करते थे, दुनिया में सबसे बुरे थे हम। अल्लाह ने एक शख्स को हम में पैदा किया, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, उसका ख़ानदान भी बहुत आला है। नबूवत का ऐलान किया, मुझे बताया ये हराम है, ये अल्लाह इससे नाराज़ होता है, मुर्दार और शराब और जुआ हर आयब से हमने तौबा कर ली। ये लोग चाहते हैं बुतपरस्ती से भी हमने तौबा की, ये चाहते हैं हम वही करें। इन्होंने हमें सताया, हम आपके वहां आ गए। बादशाह ने सुना, कहा कि तो फिर तुमको यहां से कोई नहीं ले जा सकता, आराम से रहो। इतने हदीये तोहफे भी लेके गए और बात भी की मगर फिर भी बात बनी नहीं। तो हजरत अम्र इब्ने आस की ज़िहानत देखिए, कहने अच्छा कल हम एक ऐसी बात करेंगे कि बादशाह तो इन सब को निकालने पर मजबूर ही हो जाएगा। वो बात हजरत अम्र इब्ने आस ने की थी जो आज तक लोग कर रहे हैं, बातिल तबके से ताल्लुक रखने वाले उसी हरबे को, उसी हीले को, जो अम्र इब्ने आस की जो चाल थी कुफर के जमाने में, उसी चाल को अपना रहे हैं। क्या कहा बादशाह सलामत, ये मुसलमान जो हैं ये हजरत ईसा को नहीं मानते, ये हजरत ईसा को नहीं मानते हैं, ये उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। और बादशाह ईसाई, जैसे आजकल कहा जाता है नफरत दिलाने के लिए, अरे ये बुजुर्गों को नहीं मानते, इनकी तकरीर ना सुना करो। जब कहीं इज्तिमा हुआ दीन का बड़ा और उसमें लोग जाने लगे तो पर्चे अर्चे बांट देते, कोई जाए नहीं वरना निकाह टूट जाएगा, ये अच्छे लोग नहीं, इनके अकीदे खराब हैं, जिनसे हाथ मिलाएगा उसका निकाह टूट जाएगा। देखो हरम जाना मगर इमाम हरम के पीछे नमाज ना पढ़ो, उनके अकीदे खराब हैं, अकीदे खराब हैं, ये अल्लाह के नबी को नहीं मानते। ये ऐसा जज्बाती मसला है, जो नबी को नहीं मानता हम उससे क्यों ताल्लुक रखें? मुसलमान के लिए ये सबसे बड़ी चीज, जब बुजुर्गों को नहीं मानता है तो हम क्या करेंगे वहां जा करके? ये वही हरबा है जो किसने चलाया था, हजरत अम्र इब्न अल-आस ने। कहा कि ये हजरत ईसा को नहीं मानते। अब जाहिर बादशाह ईसाई, उसको गुस्सा आया, उसने तलब किया मुसलमानों को कि ईसा अलैहिस्सलाम को आप लोग नहीं मानते हैं। तो हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ हा या ऐन स्वाद, ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। सूरह मरियम पढ़ी, किसने? हजरत जाफर ने। कहा बादशाह नजाशी के दरबार में। सूरह मरियम अल्लाह का कलाम और एक मोमिन कामिल सहाबी रसूल की जबान से। नतीजा क्या था कि बादशाह की आंखों से आंसू बह रहे थे और सारे पोप और सारे पादरी, किसी की आंखें खुश्क नहीं थी, सबकी आंखें तर थी।
जब कुरान की तिलावत मुकम्मल हुई तो बादशाह ने एक तिनका ज़मीन से उठाया और कहने लगा, इस कलाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बताया गया है बिल्कुल यही मकाम हज़रत ईसा का था, इतना भी इससे ज़्यादा हज़रत ईसा नहीं थे। ये तदबीर भी फेल हो गई। तो ये कौन साहब थे जिन्होंने ये तरकीब अपनाई थी? हज़रत आमर इब्नुल आस रज़ी अल्लाह, बड़े ज़हीन आदमी, बड़े दानिश्वर किस्म के आदमी कुफ्र के ज़माने में, और ज़माने इस्लाम में भी उनकी दानिश्वरी बड़ी अजीब व गरीब है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस्लाम कबूल करने के लिए, बयात करने के लिए, हज़रत खालिद भी, हज़रत आमर इब्न आस भी। तो हज़रत आमर इब्न आस ने कहा, हुज़ूर हाथ बढ़ाइए, मैं बयात करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फैला दिया। जब हाथ फैलाया तो हज़रत आमर ने अपना हाथ समेट लिया। पहले का हाथ फैलाइए, मैं बयात करूँगा। अल्लाह के नबी ने हाथ फैलाया तो अपना हाथ समेट लिया। माँ लगा, या आमर, आमर तुम्हें क्या हो गया? कहले, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ, शर्त लगाना चाहता हूँ, फिर बयात करूँगा। ये उनकी ज़हानत है, होशियारी। माजा तश्तरिस, क्या शर्त लगाना चाहते हो? ऐ अल्लाह के रसूल, कुफ्र के ज़माने में मैंने बहुत गलत काम किए, मुसलमानों को बहुत सताया, इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया, बड़ी अजियतें पहुंचाई हैं, मैं बड़ा पापी हूं, बड़ा मुजरिम हूं, क्या बयात करने के बाद अल्लाह हमें माफ़ कर देगा? ये शर्त अगर लगा दे आप माफ़ कर देगा तो मैं बयात करूंगा। आपने फरमाया, हाँ मैं वादा करता हूँ अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। इस्लाम, अल इस्लाम यह दुमा का नकबला, इस्लाम से पहले के तमाम गुनाहों जरायम को इस्लाम मिटा के रख देता है और हिजरत भी मिटा देती। तो हज़रत आमर इब्न आस ने बैत कर ली। हज़रत आमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़हानत, एक लश्कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और वो लश्कर, उसका अमीर किसको बनाया? हज़रत आमर को। और मातहत कौन है उनके? सारे साहबा, बड़े बड़े साहबा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, ये सब क्या है? मातहत। और ये अमीर, हालांकि दर्जा सब जानते हैं कि इन साहबा का बड़ा, अल्लाह के नबी जिसको अमीर बना दे, बना दिया अमीर। तो इनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हुजूर हमें सबसे ज़्यादा चाहते हैं, अगरचे मैं बाद में मुसलमान हुआ हूँ, मगर हुजूर हमें चाहते सबसे ज़्यादा, जब ही तो मुझे अमीर बनाया है और इन सबको मेरा मातहत किया है। फितरी बात थी, दिल में ख्याल आना चाहिए। तो कहा, दिल में ना रखें, लाओ हुजूर से पूछ ही ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? आपने फरमाया, आयशा से। कहा, हुजूर मैं मर्दों में पूछ रहा हूँ। कहा, आयशा के वालिद अबू बकर से। कहा, फिर उसके बाद? कहा, उमर से। उसके बाद? कहा, उस्मान से। उसके बाद? कहा, अली से। कहा, मैं तो चुप हो गया कि पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, कब नंबर आएगा। हज़रत अमर उन्नास वहाँ गए और जो अमीर होता था वही नमाज पढ़ाता था, जो अमीर होता था, अमीर लश्कर, वही नमाज पढ़ाता था। अब ये नमाज पढ़ा रहे वहाँ, और सख्त सर्दी, बर्फीली रात, कातिल हवा, पानी निहाय ठंडा, अजब वाकया पेश आया, इनको नहाने की हाजत हो गई। काहे की? गुस्ल की। इन्हीं को इमामत भी करना है, नमाज भी पढ़ाना है, और सर्द मौसम, बहुत ठंडा। तो इन्होंने क्या किया, तयम्मुम का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, तयम्मुम की आयतें भी नहीं नाजिल हुई थी, तो इन्होंने तयम्मुम कर लिया और नमाज पढ़ा दी। अब साहबा को एतराज हुआ, साहब वो गुस्ल किया नहीं, तयम्मुम करके नमाज पढ़ा दी, मगर वो गैर मुकल्लिद तो थे नहीं
कि साहब ये कैसे किया आपने, कहाँ से किया? कुछ नहीं, सबने पढ़ ली नमाज। आके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, आपने पूछा आमर तुमने तैमुम करके नमाज पढ़ाई, तुमने गुस्ल नहीं किया? ये मसला नहीं मालूम था कि तैमुम जो है गुस्ल की जगह, वजू की जगह भी तैमुम होता है, और नहाने की हाजत हो, मजबूरी हो तो उसके लिए भी तैमुम होता है। तैमुम करके नमाज पढ़ा दी। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं गुस्ल करता तो मैं मर जाता। और अल्लाह कुरान में कहता है वला तुल्कु अईदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, वला तख्तुलु अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करो। ये कुरान की आयत से इस्तदलाल दलील पेश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, और आपने ये नहीं कहा नमाज दोहराओ। ये क्या है, उनकी ज़हानत। बड़े ज़हीन आदमी थे वो। इस्लाम जो फैला है वो दानिश्वरों में फैला है। गरीबी अलग चीज़ है, दानिश्वरी अक्ल अलग चीज़ है। जो जितना बड़ा दानिश्वर था उसने उतना ही पहले इस्लाम कबूल किया। और सबसे बड़े दानिश्वर हज़रत सिद्दीक अकबर हैं, उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। तो हज़रत अम्र इब्न अल-आस, ये कुफ्र के ज़माने में यमामा एक इलाका था, वहाँ एक आदमी था, उसका नाम था मुसैलमा, उसको कहते हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये बहुत ही ज़्यादा अपने इलाके का रईस और लोगों का मुक्तदा और पेशवा बनने की उसने कोशिश की। और ये भी उसने सोचा कि अरबों से मुकाबला करें, अरबों से भी उनकी दोस्ती होती रही थी। तो हज़रत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जो है उस कुफ्र के ज़माने में उसके पास गए मिलने के लिए। काहे के लिए, ताकि उस हम भी नहीं मानते अल्लाह के नबी को, और ये लोग भी अल्लाह के नबी को नहीं मानते, मुखालिफ हैं, दोनों लोग मिल करके मुसलमानों का मुकाबला करेंगे। तो जब वहाँ पहुँचे हज़रत अम्र इब्न अल-आस, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि आज कल तुम्हारे साहेब पर क्या नाजिल हुआ, आजकल तुम्हारे साहेब पर क्या नाजिल हुआ? तुम्हारे साहेब क्यों कहा? इसलिए कबीले कुरैश से नबी करीम अलैहिस्सलाम का भी ताल्लुक़ है, और हज़रत अम्र इब्न अल-आस का भी ताल्लुक़ उसी कबीले से था, अगरचे मुसलमान नहीं हुए थे। कहा तुम्हारे साहेब पर, तुम्हारे जो साहब हैं तुम्हारे कबीले के साथी, उन पर आजकल क्या उतरा है, और कुफ्र का ज़माना है। तो हज़रत अम्र इब्न अल-आस कहने लगे, आजकल उनके ऊपर एक सूरत उतरी है, और वो बड़ी मुख्तसर है मगर बड़ी जामे है। क्या कहा? वजीज़तुन बलीगा। उन पर एक ऐसा कलाम नाजिल हुआ है आजकल, जो मुख्तसर बहुत है लेकिन बड़ा बलीग है, बड़ा मौसिर है, गोया कि एक कूदे के अंदर समंदर बंद है। बड़ा जामे है मगर है मुख्तसर सा कलाम। तो बाकायदा कुफ्र के ज़माने के बावजूद उनको वो कौन सी सूरत थी? यही सूरह वलासर। ये सूरत उनको याद थी, कौन सी? वलासर। और कलमा नहीं पढ़ाया अभी, और सख्त तरीन मुखालिफ हैं, इस्लाम के मुखालिफ, मुसलमानों के मुखालिफ, अल्लाह के नबी के मुखालिफ। मगर कुरान जगह बनाता है, कुरान में कशिश है। दिमाग के अकलमंद आदमी थे, आला दर्जे के आदमी थे, जहीन थे, फतीन थे, और अरबों का हाफजा भी बड़ा ज़बरदस्त था। कहने बड़ी अजीब गरीब सूरत नाजिल हुई है उनके ऊपर, वो बताते हैं, और है उसके माना तो बहुत हैं लेकिन अल्फाज उसके बहुत कम हैं, और वजीज़ा भी है और बलीगा भी है। तो उसने कहा अच्छा सुनाइए। वो दूसरा शैतान जो था वो कहने सुनाइए। तो हज़रत अम्र इब्न अल-आस ने बाकायदा कुरान की यह सूरत सुनाई, कौन सी? والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। याद है उनको कुफ्र के जमाने में, और सुना रहे हैं बाकायदा, और तारीफ भी कर रहे हैं। मामूली नहीं है ये, वजीजा भी है और बलीगा भी है, मुख्तसर भी है और बड़ी जामे तरीन सूरत है। तो उसने कहा कि और मेरे ऊपर भी कलाम नाजिल हुआ है। झूठा नबूवत का दावा किया था उस जालिम ने, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खत भी उसने लिखा था,
पहले आया और कहने लगा कि हम कलमा पढ़ लेंगे आपका, मगर ऐसा कीजिए आप अपने बाद मुझे अपना खलीफा बना दीजिए। आपने फरमाया ये छड़ी भी हम तुम्हें नहीं देंगे, खिलाफत अल्लाह की तरफ से मिलती है, इन्नल्लाह यूरिसुहा मन यशा। चला गया वहां से, मुखालिफत करता रहा और आखिर में उसने क्या किया, खुद अपनी नबूवत का दावा कर दिया और कहा मेरे ऊपर भी वही नाजिल होती है। तो जब हजरत अम्र इब्न अल-आस ने कुरान की वो सूरत सुनाई तो कहा मेरे ऊपर भी एक कलाम नाजिल हुआ है, वो भी सुन लीजिए। तो कहा भाई सुनाओ। तो कहने लगा हमारे ऊपर ये कलाम नाजिल हुआ है, या वबर व मा वबर अंत उदरान व सदर व साइरु का हाकर व कतर। मतलब अय वबर, क्या वबर है? कहने लगा तेरा सीना है और तेरे कान हैं और बाकी तुझमें कुछ भी नहीं है। अब बताइए ये कुरान के मुकाबले में पेश कर रहा है मेरे ऊपर कलाम नाजिल हुआ, ये वबर क्या चीज होती है? वबर एक जानवर होता है बिल्ली की तरह और उसके कान बहुत बड़े होते हैं और सीना भी बहुत बड़ा होता है और दुम इंतहाई उसकी छोटी सी होती है। तो वही कह रहा या वबर ओमा वबर अंत उदनान व सदर, तेरे दो कान है और तेरा सीना है, वह साइरु का हकर व कतर कुछ भी नहीं है। तो कहने लगा ये कैसा कलाम है जो मेरे ऊपर नाजिल हुआ, ये कैसा कलाम है? उसकी तो तुमने बड़ी तारीफ की, मुखालिफत के बावजूद तुमने क्या कहा? वजीजा बलीगा, छोटी सूरत है मगर बहुत जबरदस्त है। ये जो मैंने सुनाया है, हमारी तुम्हारी दोस्ती भी है, ये बताओ ये कैसा है? तो हजरत अम्र इब्न आस ने क्या कहा वो सुनिए। कुफ्र में मुब्तिला होने के बावजूद कहने लगे तू भी जानता है कि तू झूठा है और मैं भी जानता हूं कि झूठा है, इस कलाम का उस कलाम से कोई मुकाबला हो सकता है? ये कुफ्र के बावजूद शहादत दे रहे हैं, ये है अल्लाह का कलाम। कुरान पाक की सूरत अगरचे ये बहुत छोटी है अल्फाज के एतबार से, हरूफ के एतबार से, लेकिन मानी के एतबार से इसके अंदर एक बहर ना पैदा किनार है, ये बहुत बड़ा समंदर है, इसके अंदर इतने मानी। इसीलिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर यही सूरत होती लोग और फिक्र कर लेते तो हिदायत के लिए यही काफी थी। क्या है इस सूरत में? अल्लाह फरमाता वल असर, वाव जो है ये कसम के लिए आता है, वल आदियात वन नजमी व शमसी वल लैली वन नहारी वल रुहा, ये सब अल्लाह ने कसमें खाई हैं कुरान में। वल लैल रात की कसम, वन नहार दिन की कसम, व शम्स सूरज की कसम, वल रुहा चाश के वक्त की कसम, व नजम सितारे की कसम, सब कसमें हैं। यहां भी अल्लाह ने कसम खाई, क्या खाई? वल असर जमाने की कसम, जमाने की कसम। हालांकि अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना क्या है? नाजायज है। अल्लाह के अलावा मखलूक के लिए, उम्मत के लिए, हत्ता कि अल्लाह की खुदाई में सबसे मोहतरम और सबसे आजमत वाली जात है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी कसम खाना भी बोलो जायज नहीं है। अल्लाह का सबसे मुकद्दस घर है काबा, काबे की कसम खाना भी जायज नहीं है। हजरत अली ने कसम खाई काबे की, मगर खाली काबे की थोड़ी है, क्या कहा? फुस्तु व रब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया काबे के रब की कसम, काबे के रब की कसम खाई है। ज्यादातर मुफस्सिरीन कहते हैं जहां जहां कुरान में अल्लाह ने ये कसमें खाई हैं वहां भी लफ्ज रब पोशीदा है, यानी वह लैल रात की कसम यानी रात के रब की कसम, वह शम सूरज की कसम यानी सूरज के
रब की कसम, वल असर जमाने की कसम यानी जमाने के रब की कसम। दूसरी चीज, ये ज़ाब्ता ये कायदा किसके लिए है? उम्मत के लिए है, मखलूक के लिए है, अल्लाह के लिए ये कायदा नहीं है। वो जिसकी चाहे कसम खाए, वो जिसकी चाहे कसम खाए, मखलूक को अल्लाह के अलावा सजदा करना जायज नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना भी जायज नहीं है। कसम उसकी खाई जाए जो सबसे अजमत वाला हो, और सबसे अजमत वाला कौन है? अल्लाह, तो कोई अजमत वाला नहीं। वो अगर किसी चीज की कसम खाए उसमें अजमत तो होगी मगर इतनी थोड़ी होगी। अल्लाह ताला ने कसमें मुख्तलिफ चीजों की खाई हैं, अल्लाह ताला ने जिन चीजों की कसमें खाई और आगे जो बात कही है वो दलील है उसकी, जो आगे बात कही जा रही है उसकी दलील क्या है? उस कसम में है। उसका प्रूफ क्या है? जो आगे बात कही जा रही है उसकी दलील क्या है, उसका बेस क्या है? वो कसम जिस चीज की कसम खाई उसमें अगर गौर करोगे तो वो बात समझ में आ जाएगी। यहां अल्लाह ताला आगे क्या कह रहा है कसम खा के? कह रहा है इन्नल इंसान रफी खुसर, इंसान घाटे में है। ये खुदा ने कहा है। दलील क्या है इंसान घाटे में है? अल्लाह का वल असर, जमाने की कसम। जमाने में अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा इंसान घाटे में है। जमाने में गौर करें तो कैसे समझ में आएगा? जमाने में रात और दिन, महीने और साल, इंसान की उम्र भी है। इंसान की उम्र सबसे कीमती चीज है, नहीं है? जिंदगी सबसे कीमती चीज है। अगर जिंदगी न हो तो फिर आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, जबान से चख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, किसी भी नेमत से फायदा उठाना मौकूफ है जिंदगी पर। अगर जिंदगी नहीं है तो किसी नेमत से बंदा फायदा नहीं उठा सकता। ये जिंदगी बड़ी कीमती चीज है। और काहे के लिए? ये दुनिया का कमाल हो या आखिरत का कमाल हो, दुनिया के दर्जे हो या आखिरत के दर्जे हो, ये जिंदगी के बगैर हासिल नहीं किए जा सकते। आदमी मर गया तो क्या हासिल करेगा? जब तक जिंदा है जभी तो नमाज पढ़ेगा, जब तक जिंदा है जभी तो कारोबार करेगा। दुनिया के कमाल, आखिरत के कमाल जिंदगी और उम्र के बगैर हासिल नहीं किए जा सकते हैं। अल्लाह ने इस दुनिया में इंसानों को जो भेजा है वो कारोबार करने के लिए, हर इंसान को कारोबारी बनाया। क्या बनाया? कारोबारी, ताजिर, सौदागर, हर इंसान, बड़ा छोटा सब। और कारोबार जब भी किया जाता है तो कुछ दे के कुछ खरीदा जाता है। जिस चीज के बल पर कारोबार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? पूंजी, सरमाया। भाई ये दिया है, इसके बदले में काम करना, आपको इतना पैसा दे दिया, आप अपना काम कीजिए। पूंजी और सरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है और इसको एक सरमाया दिया, एक पूंजी दी है कारोबार करने के लिए। वो पूंजी क्या है? इंसान की उम्र। क्या है पूंजी? इंसान की जिंदगी, यही है इसका सरमाया और यही है इसकी पूंजी। अब इस सरमाए के जरिए से इंसान अगर ऐसी चीज हासिल कर ले, ये सरमाया भी बड़ा अजीब है, बड़ा प्यारा भी है, बड़ा महबूब है, मगर इसके अंदर एक आयब भी है। इसके अंदर आयब क्या है जिंदगी में? का आयब ये है कि ये धीरे धीरे कम होता जाता है, रुकता नहीं है, बर्फ की तरह है। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम। यदि बर्फ नहीं पिघल रहा है ऐसे उम्र पिघल रही है। अच्छा, बर्फ को तो आजकल इंसान ने तरक्की करके ऐसी चीजें बना ली है कि बर्फ को पिघलने से रोका जा सकता है, मगर इतनी तरक्की के बावजूद इंसान कोई ऐसी चीज नहीं बना सका जिसके जरिए से वो उम्र की रफ्तार को रोक दे।
सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, जिंदगी गुजरती चली जा रही। अब यह सरमाया ऐसा है जो घट भी रहा है, आप इससे कारोबार करें जब भी घटेगा, न करें जब भी घटेगा, खराब चीजें खरीदें जब भी घटेगा, कुछ भी ना करें जब भी, खाली सोते रहें तो जिंदगी बचेगी? जिंदगी तो जा रही है, गिने हुए लम्हात हैं, गिने हुए हमारी जिंदगी क्या है, गिनी हुई सांसें हैं, और जो सांस गुजरी उसने क्या किया, उतना हिस्सा जिंदगी का कम कर दिया। और बगैर कारोबार के गुजरी, बगैर फायदे के गुजरी, तो इसमें घाटा है या इसमें फायदा है? घाटा है। और पता भी नहीं है कितनी सरमाया अल्लाह ने दिया है कारोबार करने के लिए, यह भी नहीं पता जिंदगी है कितनी। चलो भाई 60 साल हो गए और उसके बाद फिर जो है अब क्या होगा, अब अभी 10 साल बाकी है, जो कुछ कमी होगी इसमें पूरी कर लेंगे, ये भी नहीं पता 60 साल है। अगर ये भी पता होता जब भी कुछ गनीमत था। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने बुस्र रजी अल्लाह तआला ने, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनके वालिद उनकी वालिदा उनको लेकर के आए और कहा अल्लाह के रसूल ये मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ दी और आपने फरमाया तुम एक कर्न जिंदा रहोगे। कितने दिन? एक कर्न जिंदा रहोगे। तो उन्होंने कहा फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। अरे अल्लाह के रसूल ये कर्न क्या होता है? आपने फरमाया तुम 100 साल तक जिंदा रहोगे। कितने? 100 साल तक जिंदा रहोगे। कहले जब वो 95 साल के हो गए तो उन्होंने कहा देखो 95 साल मेरी जिंदगी के गुजर गए हैं, अब सिर्फ 5 बाकी हैं। कम से कम उनके लिए जमानत तो थी, गारंटी तो थी। कितने बाकी है? 5 बाकी हैं। मगर हम लोगों में से किसी के लिए गारंटी है? कुछ नहीं कहा जा सकता कहाँ बाकी कितना गया। मगर हिमाकत का आलम क्या है ये देखिए आप, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए और साहब बर्थडे मना रहे हैं, केक काटा जा रहा। कई साल बचे हैं आप, आपके 1 साल बचा होगा और 80 साल के हो गए आप, तो काहे पे खुश हो रहे हैं आप कि जल्दी 1 साल के बाद मर जाएंगे, इस पे खुश हो रहे हैं आप? देखिए तो जरा सही, बजाय अफसोस करने के, होशियार होने के, इंसान गफलत में कितना डूबा है। अपने बच्चों को बर्थडे मना रहा, उनको भी यही सिखा रहा है, खुद भी यही कर रहा है, झंडियां लगा रहा है, चरागा कर रहा है, ये किस चीज पर है आखिर? उम्र के कम हो जाने पर, मरने के करीब हो जाने पर आ रहा है नया साल। अब नया साल आ गया, देखना कैसे व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक। ये नाजायज है, नाजायज मुबारकबाद देना नए साल की और क्रिसमस की मुबारकबाद देना नाजायज और हराम। कितने लोग इसके अंदर मुब्तला हैं? इस्लाम क्या सिखा रहा है तुम्हें? तुम्हारा सरमाया जा रहा है, तुम्हारी पूंजी खत्म हो रही है और तुम खुशियां मना रहे हो और जाके शिरकत कर रहे हो और मुबारकबाद दे रहे हो। तुम्हें नहीं पता है तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हीरे और सोना खर्च करने के बाद क्या खरीद रहे हो? ये मिट्टी के ढेले खरीद रहे हो? तुम्हें ये सोचना नहीं आता कि दिन आज एक कम हुआ अपनी हयात का, दिन आज एक कम हुआ अपनी हयात का, गोया कि मौत हो गई एक दिन करीब और एक दिन कम हो गया जिंदगी का। ये एक दिन में हमने किया क्या, ये बताओ कमाया क्या हमने? फरमाया वही होशियार ताजिर है जो इस सरमाए को जो पिघल रहा है और जाय हो रहा है वो क्या करे, इसके जरिए से ऐसी चीज खरीद ले, ऐसी चीज खरीद ले जो 60 साल तक बाकी रहे का नहीं, 80 साल तक बाकी रहे नहीं, इस पिघलने वाली खत्म होने वाली जिंदगी से ऐसी चीज खरीदे, ऐसी चीज खरीदे जो हमेशा बाकी रहे और ऐसी खुशी खरीदे जो कभी खत्म ना हो, ऐसी नेमतें खरीदे जो कभी जाए ना हो, वही ताजिर कामयाब होगा। वो कौन हो सकता है जो ताज तिजारत करे तो क्या खरीदें, रुई खरीदें, कपास खरीदें, सब्जी का कारोबार करें, कौन सा कारोबार करें? सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने बताया कि देखो 4 कारोबार करना है तुम्हें, 4, ये जिंदगी का सरमाया 4 कामों में अगर लगाओगे
तो कामयाब हो गए। अगर इन चार कामों में नहीं लगाए तो यह जमाना गवाही दे रहा है, दुनिया में जितने लोग गुजर चुके हैं उन्होंने अगर इन चार कामों में अपनी जिंदगी खत्म नहीं की, वो नाकाम थे, वो नामुराद थे, वो बादशाह थे, वो ताजदार थे, वो पहलवान थे, वो कुछ भी थे, फिरौन हो, शद्दाद हो, नमरूद हो, हामान हो, कुछ भी हो, सब नाकाम थे। और वही कामयाब हुए, कौन कामयाब हुए जिन्होंने चार कामों में अपनी जिंदगी का सरमाया लगा दिया, वो कौन है? हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम, हजरत सहाबे इकराम, हजरत ताबईन, तबे ताबईन, चार कामों में लगा दिया उन्होंने एक अपना अपनी जिंदगी का सरमाया, उनका नाम आज तक बाकी है और उनकी नेकियों का मीटर आज तक चल रहा है, वो दुनिया से जा चुके। ये है अकलमंद आदमी की पहचान। हम सब लोग गफलत के शिकार हैं, अल्लाह उसी को कह रहा वल असर, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान खसारे में है। इतनी दौलत है फिर भी खसारे में, इतने ओहदे फिर भी खसारे में। कह जी हाँ, मरने के बाद देखिए ये ओहदे किस काम के, डिग्रियां किस काम की, ये बैंक बैलेंस किस काम का, ये तुम्हारे बनाए हुए मकानात किस काम के, वहां के लिए कुछ नहीं। क्या किया तुमने इस उम्र का, इन लम्हात का? अल्लाह की कसम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिंदगी का जो लम्हा अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरता है कयामत के दिन इस पर अफसोस होगा, हसरत होगी, अरे काश कि हम इसको कीमती बना लेते, इतनी देर में अल्लाह का जिक्र ही कर लेते, अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते, सुबहान अल्लाह कह लेते। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अक्ल अता फरमाए, शऊर अता फरमाए और इस ज़िंदगी में जो सरमाया अल्लाह ताला ने दिया है इसको कामयाबी के साथ दायमी अबदी नेमतें ख़रीदने का अल्लाह ताला हम सबको हौसला अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। अगर अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कुछ भी नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े आए और चले गए, बड़े बड़े नामी गिरामी आए और चले गए, रुस्तम रहा जमीन पे न सोहराब रह गया, मर्दों का आसमां के तले नाम रह गया, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, नाम बाकी है किसका? शेख अब्दुल कादिर जीलानी का, निजामुद्दीन औलिया का, हजरत सिद्दीक अकबर का, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आपके ने जिन इस मिशन पर लगाया, जिन जिन लोगों ने यह कारोबार किया है उन्हीं का नाम बाकी है, उन्हीं का नाम बाकी रहेगा और आखिरत में उन्हीं के लिए आराम है, राहत है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए, इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक दे। मोहम्मद अखलाक की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। मोहम्मद शुआइब की वालिदा की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला रहम फरमाए, शिफा अता फरमाए। उम्मत के तमाम मरीजों के, मरहूम हाजी खलीक साहब की अहलिया की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। अकरम भाई की वालिदा और छोटी बहन की तबीयत ख़राब है, अल्लाह इन तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए और उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو نے کہنے اور سننے اور سنانے کی توفیق دی، اے مالک عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ناشکری سے، قہر و غضب والے کاموں سے، ہر قسم کی بلاؤں اور وباؤں سے امت پر، اے اللہ امت کو مظالم سے، ہر طرح کے مظالم سے نجات عطا فرما۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہیں عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں لیکن اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کے اعتبار سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، مالک
उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा, जो दुनिया से जा चुके उन सब को माफ़ फरमा, हम सब को इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु